नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मर कुकिंग चैनल। तो दोस्तों आज की रेसिपी है अपनी अंडा राइस। दोस्तों ठीक है, अंडा राइस आज अपन बनाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बिरयानी की जगह दम लगा के बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो। पानी ले लिया इसमें, इसको अपन चढ़ा देते हैं। सबसे पहले अपने राइस बॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये खड़े मसाले हैं, दो तीन हरी इलायची हैं, दो बड़े डोड़ा हैं, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और तेज पत्ता है। ये अपन इसमें डाल देते हैं ताकि फ्लेवर अपना अच्छे से आ जाए। दोस्तों अंडा राइस में ये डालना बहुत जरूरी दोस्तों, इससे क्या बिरयानी जैसा टेस्ट आ जाता है। दोस्तों पानी गर्म हो गया, अब अपन चावल डाल देते हैं। बिरयानी वाले बढ़िया चावल है और इनको ना पूरा बॉयल नहीं होने देंगे, सिर्फ 90% पकाएंगे, बाद में अपन दम लगाएंगे तो पूरा 100% पक जाएगा। तो अंडा अपन जब तक छील लेते हैं तब तक अपने राइस बॉल हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अंडे अपन सारे छिल गए हैं, अब इनको पहले अपन फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद अपन बनाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, इससे क्या खिला खिला सा अपना चावल निकल आते हैं। और तो नमक डाल लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो दोस्तों चावल अपने बॉयल हो चुके हैं, अब अपन इनको अच्छे से निकाल लेते हैं और ऐसे ही अपने सब चावल निकाल लेंगे। तो दोस्तों चावल अपने पूरे निकल चुके हैं, देखो इतने सारे चावल अपन ने बनाए हैं। अब अपन जल्दी से अपने अंडा को फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों प्याज काट लेंगे अपन ऐसे लंबी लंबी और इनको तोड़ लेते हैं। फिर दोस्तों गाजर भी ऐसे छोटे छोटे पीस काट लेंगे। दोस्तों ऐसे बारीक बारीक अपन शिमला मिर्च भी काट लेंगे, इस तरीके से काट लेंगे। तो दोस्तों हरी मिर्च भी काट लेंगे ऐसे, एक मिर्च के दो पीस कर लेंगे। कहते हैं फिर अपन इसमें दम लगाएंगे। दोस्तों पहले जीरा डाल लेते हैं इसमें, तेल गर्म हो गया है। अब अपन डाल लेते हैं इसमें अपने सारे वेजिटेबल और इनको अच्छे से भून लेते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और इसको भी अच्छे से अपन मिला लेंगे। तो इसमें अंडा डाल लेते हैं अपन, इसी के साथ में अपने अंडा फ्राई भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अपन इसमें डाल देते हैं अपने राइस और दोस्तों अच्छे से इसको मिला के फिर इसमें डालेंगे मसाला। दोस्तों अब अपन इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। तो अपन इसमें मसाला डाल दिया, सबसे पहले डाल देते नमक, थोड़ा सा नमक अपन ने बॉयल करते टाइम भी डाल दिया था चावल में। थोड़ा सा डाल देते इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा डाल देते इसमें हल्दी पाउडर और इसको फिर मिला लेते हैं। हल्का सा डालेंगे अपन लाल मिर्च पाउडर। अब अपन इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये थोड़ा सा फूड कलर ये भी अपने इसमें डाल देते हैं, इससे क्या कलर बन जाएगा और कुछ नहीं। तो इसकी लंबी लंबी लोई कर लेते हैं दम लगाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे अपन पूरे में लगा देते हैं और इसको अच्छे से अपन ढक देते हैं दोस्तों, ये देखो, और इसको अच्छे से दबा देते हैं। फिर गैस चालू कर देते हैं बिल्कुल 10 मिनट तक के लिए। दोस्तों बिल्कुल इतनी आँच में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपने को और रखना है इसको और अपना बन के हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, अब अपन इसको निकालते हैं। दोस्तों आहा, खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है और देखो कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए। अब अपन अपने राइस निकाल लेते हैं। आहा देखो खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल आपको बिरयानी की तरह लग रहा होगा दोस्तों, बिरयानी राइस की तरह। तो दोस्तों ये देखो अपने अंडा राइस बन के तैयार हुआ है, इसे अपन छोटा मोटा अंडा बिरयानी भी कह सकते दोस्तों। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो।